5 अगस्त 2019 ये वो तारीख है जब जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाया गया, जिसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 7 मार्च को पहली बार जम्मू कश्मीर पहुंचे। यानी आर्टिकल 370 हटने के 4 साल 7 महीने 3 दिन के बाद पीएम मोदी जम्मू कश्मीर पहुंचे। पीएम मोदी ने दौरे के दौरान श्रीनगर के बख्शी स्टेडियम में विकसित भारत विकसित जम्मू कश्मीर कार्यक्रम के तहत 6,400 करोड़ रुपए से ज्यादा के प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन किया। 1,000 युवाओं को जॉब लेटर भी दिए, साथ ही युवा उद्यमियों से उनकी कामयाबी किस्से और समस्याएं भी सुनी। लेकिन क्या आप जानते हैं आर्टिकल 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर में कौन कौन से बदलाव हो चुके हैं? अगर नहीं तो चलिए हम बताते हैं। जम्मू कश्मीर में तब से अब तक 6 बड़े बदलाव हो चुके हैं। ये बदलाव हैं कौन से, अब इन्हें विस्तार से जान लेते हैं। आर्टिकल 370 हटने के बाद सबसे बड़ा बदलाव तो यही आया है कि देश के दूसरे राज्यों में लागू कई केंद्रीय कानून अब जम्मू कश्मीर के लोगों पर भी लागू हो चुके हैं। इनमें बाल विवाह अधिनियम, शिक्षा का अधिकार और भूमि सुधार जैसे कानून शामिल हैं। राज्य में दशकों से रह रहे वाल्मीकि, दलित और गोरखा समुदाय के लोगों को भी राज्य के दूसरे निवासियों के जैसे ही समान अधिकार मिल रहे हैं। कुछ मुद्दों को छोड़ दें तो जम्मू कश्मीर के स्थानीय निवासी और दूसरे राज्यों के नागरिकों के बीच यहाँ भी अधिकार अब समान है। इस राज्य के 334 कानूनों में से 164 कानूनों को निरस्त कर दिया गया है, तो वहीं 167 कानूनों को संविधान के अनुरूप ढाला गया है। बीते 20 फरवरी को पीएम मोदी जम्मू कश्मीर में सड़क और रेलवे कनेक्टिविटी के लिए कई प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन और शिलान्यास कर चुके हैं। उन्होंने घाटी में पहली इलेक्ट्रिक ट्रेन और संगलदान स्टेशन के साथ बारामूला स्टेशन के बीच रेलवे की सेवा को हरी झंडी दिखाई थी। चेनाब नदी पर दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज भी तैयार है। अंजी नदी पर बन रहे देश के पहले केबल रेलवे ब्रिज का काम भी पूरा हो चुका है। उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक प्रोजेक्ट के तहत बनाए गए ये पुल घाटी में विकास की नई राह खोलेंगे और कश्मीर घाटी देश के मुख्य रेल नेटवर्क से जुड़ जाएगी। आर्टिकल 370 हटाए जाने के बाद जम्मू कश्मीर में मार्च 2023 में ही प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का पहला प्रोजेक्ट मिला था। इस प्रोजेक्ट की कीमत करीब 500 करोड़ रुपए है। प्रोजेक्ट के उद्घाटन के समय बताया गया था कि इससे कश्मीर में 10,000 लोगों को नौकरियां मिल सकेंगी। यह प्रत्यक्ष विदेशी निवेश अरब अमीरात यानी यूएई के एमआर ग्रुप की ओर से किया गया है। इसका नाम मॉल ऑफ श्रीनगर है। अब घाटी में और प्रत्यक्ष विदेशी निवेश आने की उम्मीद है, जिससे वहां के नौजवानों के लिए रोजगार की नई राह खुलेंगी। आर्टिकल 370 हटने के एक साल बाद ही जम्मू कश्मीर में सफलतापूर्वक पंचायत चुनाव कराए जा चुके हैं। साल 2018 में जब पंचायत चुनाव हुए तो इसमें 74.1% मतदाताओं ने हिस्सा लिया था। ऐसे ही साल 2019 में पहली बार ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल चुनाव हुआ, जिसमें आश्चर्यजनक रूप से 98.3% मतदान हुआ था। कश्मीर में एक बार फिर से पर्यटकों की भारी भीड़ उमड़ने लगी है। सरकारी आंकड़ों की माने तो केवल 2022 में 1.88 करोड़ पर्यटक घाटी पहुंचे। इससे स्थानीय बिजनेस के साथ ही ट्रैवल इंडस्ट्री को भी फायदा मिला। 2021, 2022 और 2023 में बड़ी संख्या में पर्यटक कश्मीर पहुंचे। इसमें कश्मीर के बागवानी सेक्टर को भी मिला लें, जिसमें सेब का कारोबार भी शामिल है, तो घाटी को करीब 20,000 करोड़ रुपए सालाना की आमदनी होती है। तीन सौ सत्तर हटने के बाद घाटी में सुरक्षा बलों ने चरमपंथियों पर शिकंजा कसने में कामयाबी हासिल की है। बताया जाता है कि आर्टिकल 370 हटने के 3 साल बाद ही कश्मीर में सक्रिय चरमपंथियों की संख्या सबसे कम स्तर पर पहुंच गई थी, और तब इनकी संख्या लगभग 30 बताई गई थी, जो पिछले 33 वर्षों में सबसे कम थी। ऑपरेशन ऑल आउट के दौरान बड़ी संख्या में चरमपंथी मारे जा चुके हैं। केंद्र सरकार ने भी दावा किया था कि आर्टिकल 370 हटने के बाद घाटी में अलगाववादियों का जनाधार खत्म हो रहा है। साल 2018 में 58, 2019 में 70 और 2020 में 6 हुर्रियत नेता हिरासत में लिए गए थे। 18 हुर्रियत नेताओं को सरकारी खर्च पर मिलने वाली सुरक्षा वापस ले ली गई है। अलगाववादी संगठन तहरीक हुर्रियत पर प्रतिबंध भी लगाया जा चुका है। इस खबर पर आपका क्या कहना है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और ऐसे ही खबरों के लिए बने रहिए न्यूज़18 इंडिया ओरिजिनल्स के साथ।